नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट आईपीओ की, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में, जिसकी आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट कल की थी। और आज के दिन देखिए जीएमपी में यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। एक बार थोड़ी सी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का परिचय दे देता हूँ। देखिए 12 से लेकर 18 ये खुला रहा था, आज 19 तारीख है, यानी आईपीओ अप्लाई कल तक हो सकता था, विंडो क्लोज हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए जाननी जरूरी है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी अगर आपने अप्लाई किया है तो 23 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको मिला है या नहीं। अगर आपको नहीं मिला है तो आपका रिफंड जो है 24 तारीख को हो जाएगा, आपके पैसे जो ब्लॉक हुए हैं वो ब्लॉक हट जाएगा। और अगर आपको वो अलॉट आईपीओ हो जाता है तो 25 तारीख को आपके डीमैट में शेयर्स दिखाई देने लग जाएंगे और 26 तारीख को फाइनली स्टॉक की लिस्टिंग हो जाएगी। मुझे कमेंट कर बताना क्या आपने इसमें अप्लाई किया है। अब देखिए आईपीओ के सेकंड लास्ट डे यानी 16-17 तारीख तक आईपीओ ज़्यादा नहीं भरा था, 2-3 गुना ही भरा था, लेकिन लास्ट दिन यहाँ पे दबा के जो है अप्लाई किया गया, जो कि आप देख सकते हैं 32.5 गुना से ऊपर भरा है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ इशू सब्सक्राइब टू 32.61 टाइम्स एंड फाइनल डे लेड बाय क्यूआईबीज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्यूआईबी ने बहुत ही दबा के यहाँ पे पैसा लगाया है। अब देखिए कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो QIs जो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो वो यहाँ देखेंगे 87.5 गुना अप्लाई किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं 17.5 आपको दिखेंगे, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जिन्होंने 10 लाख से ऊपर माल जो है पैसा लगाया है वो है 19 गुना अप्लाई किया है, और 10 लाख से नीचे वाले 14.5 है। रिटेल देखिए तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर ने किया, 5.5 गुना का, और यहाँ टोटल देखेंगे तो करीब 32.5 गुना का आपको अप्लाई होते हुए देखने को मिला है। अब देखिए बात की जाए लेटेस्ट अगर आईपीओ के जीएमपी की ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि जो है बदलते रहता है, एग्जैक्ट इसको नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये जो है जो मार्केट का मूड क्या चल रहा है इस आईपीओ के बारे में उसका परिचय देता है, जो कि 55 रुपये आप देख सकते हैं, 220 रुपये के ऊपर 55 रुपये, यानी 275 रुपये, यानी 25% के प्रीमियम पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इस आईपीओ के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अंबर एंटरप्राइजेस, आपको पता होगा, जो मैन्युफैक्चर करती है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसके, जो मदरबोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है, दूसरा डिक्सन टेक, इन दोनों कंपनी का मिला के जो कंबाइन करीब बिजनेस जो है सिमिलर उसी टाइप का बिजनेस ये कंपनी करती है, इसलिए मार्केट जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैट लगा रहा है। अब देखिए बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग करीब करीब मार्केट पर 20 से 25 का अनुमान लगा रहा है, लेकिन ये अनुमान और बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है, डिपेंड ये भी करेगा कि 26 तारीख जब स्टॉक की लिस्टिंग होगी उस दिन निफ्टी का मूड एंड माहौल कैसा रहता है, मार्केट की क्या स्थिति रहती है। पिछले दिनों निफ्टी में ज़बरदस्त रनअप हमने देखा है, बहुत ही एक तरफा धार तेज़ी यहाँ बनी है। आज के दिन देखिए 200 अंकों की जो है गिरावट यहाँ देखने को मिली है। अगर मार्केट में तेज़ी बनती है और निफ्टी 18,000 के पार निकलने में कामयाब होता है तो एक बार एक बुल रन और यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो काफ़ी ऊपर तक इसको ले जाएगा। 26 तारीख को देखना रहेगा, अगर मार्केट अच्छा रहता है, उम्मीद यही है कि अच्छे मार्केट में एक अच्छी लिस्टिंग ये स्टॉक देगा, मिनिमम 15% से लेकर मैक्सिमम 20-25% के यहाँ पे गेन आपको सेम डे मिल जाएंगे। तो कमेंट कर बताना क्या आपने अप्लाई किया है, या जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन का बाय करने का विचार रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।